एमए 304 सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। चैप्टर 6 फंडामेंटल्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग और चैप्टर 6 का 6.1 यूनिट एनसी वर्ड्स। ये चीज पहले हो चुकी है, मैं रिवीजन के तौर पे इस चीज को वापस एक बार करवा रहा हूं, क्योंकि सीएनसी प्रोग्रामिंग का ये एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है, या ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पार्ट प्रोग्रामिंग किस तरीके से अपन को करनी होती है किसी पार्ट के लिए, ऑपरेशंस के लिए। तो सबसे पहले तो एक बार अपन ये देख लेते हैं कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है। पार्ट प्रोग्रामिंग वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि किसी एक कंपोनेंट को बनाने के लिए मशीन टूल को दिए जाते हैं, और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जो दिए गए उस मशीन टूल को, उसी के अनुसार मशीन टूल कार्य करता है। यानी जिस तरह की आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए कई सारे, वो मिलके पूरी पार्ट प्रोग्रामिंग बनी, तो उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो जो मशीन टूल है वो कार्य करेगा और सारे ऑपरेशन करके वर्क पीस को, जॉब को कंप्लीट करेगा। यहां पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि पार्ट प्रोग्रामिंग ये तो बता ही रहा है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये तो बता ही रहा है कि उस जॉब को बनाने के लिए क्या कार्य करने हैं, उसके अलावा वो जो ऑपरेशंस होंगे उसका वो सीक्वेंस भी डिसाइड करेगा। देखिए किस सीक्वेंस के अंदर वो ऑपरेशंस होने हैं, कैसे वो होंगे, ये सीक्वेंस भी पार्ट प्रोग्रामिंग के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो कि अपन एक पार्ट प्रोग्रामिंग में डालते हैं। अब पार्ट प्रोग्रामिंग कई सारी चीज आती है, जो पार्ट प्रोग्रामिंग है वो एनसी वर्ड्स से बनता है। तो एनसी वर्ड्स क्या है? न्यूमेरिकल कंट्रोल वर्ड्स। एनसी वर्ड्स कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन होता है। एनसी वर्ड्स कलेक्शन का कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन होता है जो एक इंस्ट्रक्शन को बनाते हैं, एनसी वर्ड्स। और एक रो में अपन जितने भी एनसी वर्ड्स लिखेंगे, है ना, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बनाएंगे। यानी एक रो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बनाएगी। तो एनसी वर्ड क्या क्या होते हैं? एन नंबर। एनसी वर्ड कई है, जैसे एन नंबर। एन नंबर क्या है? सीक्वेंस नंबर। मैं भी बताऊंगा बाद में सीक्वेंस नंबर क्या होता है। तो एक चीज हो गई एन वर्ड यानी कि सीक्वेंस नंबर, देन जी कोड प्रिपरेटरी फंक्शंस, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, आई जे के पोलर कोऑर्डिनेट्स, फीड रेट, स्पिंडल रेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे के सारे एनसी वर्ड्स हैं। और एनसी वर्ड्स को के एक रो का कलेक्शन एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक बनाता है। मतलब आप एक रो में जो एनसी वर्ड जितने आपने लिखे हैं वो एन से शुरू होगी वो रो, और एंड ऑफ ब्लॉक ईओबी या हैश पे वो खत्म होगी। तो ये पूरा एक ब्लॉक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक कहलाता है। और एक सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए कई सारे इस तरह के कई सारे ब्लॉक्स मिलके एक कंप्लीट एनसी इंस्ट्रक्शन ब्लॉक, एनसी प्रोग्रामिंग बनाते हैं। तो ये चीज मैंने आपको अभी बताने की कोशिश करी है कि एनसी वर्ड्स के हिसाब से अपन क्या चीज कर सकते हैं। अब देखिए एनसी वर्ड क्या क्या होते हैं, है ना, अभी अपन बात कर रहे थे एनसी वर्ड्स क्या क्या होते हैं। पहली चीज होती है एनसी वर्ड एक रो में लिखे जाएंगे, मतलब वो एक ब्लॉक होगा, इंस्ट्रक्शंस का एक ब्लॉक होगा, उस पार्ट प्रोग्रामिंग की एक लाइन होगी वो, और ऐसे कई सारे ब्लॉक या कई सारी रोज मिलके एक पूरी कंप्लीट एनसी प्रोग्रामिंग पार्ट प्रोग्रामिंग बनती है। तो पहली जो चीज आती है एनसी प्रोग्रामिंग में, पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर, वो होता है एन नंबर, सीक्वेंस नंबर। कोई भी रो जो शुरू होगी पार्ट प्रोग्रामिंग की वो एन नंबर से शुरू होगी, सीक्वेंस नंबर। और ये आप N00, N01, N02, N05, N010, N020 आप कुछ भी दे सकते हैं।
देखिए यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी रो एन नंबर से शुरू होगी और मशीन कंट्रोलर या मशीन की जो कंट्रोल यूनिट है वो जब आपकी पार्ट प्रोग्रामिंग को पढ़ेगी, जो आपने डाली है पार्ट प्रोग्रामिंग उस मशीन के अंदर, वो सीक्वेंस के हिसाब से चलेगा। जो सब में छोटा सीक्वेंस नंबर है, मान लीजिए आपने अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करी N05 से है, और ये बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपकी पार्ट प्रोग्रामिंग जो है वो हमेशा N00 से ही शुरू होगी। आप उसको N05 से शुरू कर सकते हैं, N010 से शुरू कर सकते हैं, N050 से शुरू कर सकते हैं, N100 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जितनी भी लाइंस होंगी वो सब N के बढ़ते हुए क्रम में होंगी। तो मशीन की कंट्रोल यूनिट जो सब में पहला काम करती है, वो जो सब में छोटा N नंबर होता है सीक्वेंस नंबर, उसको वो सब में पहले पढ़ेगी। सपोज आपने N010 से ही अपनी प्रोग्रामिंग शुरू की, या पहली लाइन ही आपने N010 से लिखी, N10 से लिखी, तो ये जो चीज हुई ये हुआ सीक्वेंस नंबर। ये उस रो का के रो की जो सीक्वेंस है वो बताती है, और मशीन इसी सीक्वेंस नंबर के हिसाब से, कंट्रोलर इसी सीक्वेंस के हिसाब से उसको पढ़ता है प्रोग्रामिंग को, और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करता है। सेकंड चीज आती है जी कोड। जी कोड आता है प्रिपरेटरी फंक्शन, मतलब ये कोड मशीन की कंट्रोल यूनिट को प्रिपेयर करता है कि उसको कौन सी इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना है, और कंट्रोलर यूनिट उस जी कोड के हिसाब से मशीन टूल को वो कार्य करने के लिए बनाती है, सक्षम बनाती है। इसके बाद आते हैं, अगर अपन एनसी वर्ड्स देखें, एन हो गया, जी हो गया, फिर आते हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड टूल या वर्कपीस के वो फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि इस लाइन में, इस रो में उसको काम करके टूल को वहां तक पहुंचना है, यानी उस रो के अंदर जो काम होना है, टर्निंग होनी है, थ्रेडिंग होनी है, जो भी कुछ होना है, और टूल को कहां तक चल के पहुंचना है, फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है। इसी तरह से आईजे के होते हैं, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे उसके, एक्स एक्सिस के अलोंग आई, वाई के अलोंग जे, और जेड के अलोंग के, वो अपन आगे फिर देख लेंगे। फिर आता है जो थर्ड नंबर का जो एनसी वर्ड है, वो है एफ वर्ड। एफ वर्ड मतलब फीड फंक्शन, टूल को किस स्पीड से, किस फीड रेट से मूव करना है, ये होता है एफ वर्ड। जो भी उसकी अपन को वैल्यू देनी है वो एफ के अंदर अपन डिनोट करेंगे। फिर आता है पांचवें नंबर पे एस वर्ड, यानी स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड आपको कितने आरपीएम पे रखनी है, 300 400, तो आपको एस के आगे 300 400 जो भी रखना है वो आएगा आपका एस वर्ड। फिर आता है छठे नंबर पे एम वर्ड, मिसलेनियस फंक्शंस या मिसलेनियस वर्ड। इसके अंदर M01, M02, M03, M04, M06 कई सारे होते हैं, कूलेंट ऑन, कूलेंट ऑफ, प्रोग्राम स्टॉप, स्पिंडल ऑन राइट साइड, स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज, स्पिंडल ऑन एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी चीजें अभी अपन आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये छठे के बाद जो सातवीं चीज आती है वो आती है EOB, ई फॉर एलिफेंट, ओ फॉर ऑरेंज, और बी फॉर बॉम्बे। EOB, एंड ऑफ ब्लॉक। या तो जैसे ही आपकी लाइन, ये सारे आपने वर्ड डाल दिए, एन डाल दिया, जी डाल दिया, एक्स वाई जेड डाल दिया, आई जे के डाल दिया, एफ डाल दिया, एस डाल दिया, एम डाल दिया, उसके बाद वो लाइन कहां खत्म होगी, ये लाइन जो खत्म होगी जब आप लिखेंगे EOB, एंड ऑफ ब्लॉक, या हैश, हैश का चिन्ह आप लगा देंगे। तो जैसे ही कंट्रोलर यूनिट पढ़ते हुए EOB या हैश पे पहुंचेगी, EOB या हैश पे पहुंचेगी, तो वो ये समझ जाएगी कि ये जो लाइन थी, ये जो लाइन का इंस्ट्रक्शन का जो एक रो थी, ये जैसे ही ईओबी आया ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई, और अब मुझे इससे जो अगला एन नंबर है, सीक्वेंस नंबर है, उसके ऊपर मुझे अब पहुंचना है, या मेरे को उसको अब रीड होके उसके हिसाब से करना है। तो ये कुछ चीजें मैंने आज बताई, और ये एनसी वर्ड्स है।